हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुणाल ट्रैवलर। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, जिसके साथ और भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करेंगे, जिसमें आपका आ जाता है बनाना राइड, स्पीड बोट, बम्पर राइड, जेट स्काई और पैरास्लाइडिंग। तो ये सब हम लोग साथ में करेंगे। और उसके बाद सबसे बेहतरीन जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूबा डाइविंग, ये भी हम लोग लेंगे। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग कैसे क्या होता, सारा कुछ आपको बताऊंगा रास्ते में। तो चलिए अभी हम लोग वहाँ मिलते हैं। और अब हम लोग शिप पे बैठने जा रहे हैं। इस टोटल पैकेज का कॉस्ट मुझे 1600 पड़ा पर पर्सन। यहाँ पर आपको बार्गेन करना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह कहीं पे 5000, कहीं पे 6000 बताया जाएगा। इसमें आपको स्कूबा ड्राइविंग के साथ साथ सारा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम में कोल्ड ड्रिंक भी दिया जाएगा। ये पूरे दिन का ट्रिप है। उसके साथ ही साथ आपको होटल से लाना और ले जाना सारा खर्चा इन्हीं का होगा। इसमें आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेकफास्ट मिलता है, आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिला है हम लोग को। एक सैंडविच है, पिछले आधे घंटे से हम लोग की नाव समुद्र के बीच में चल रहा है और पता नहीं अभी ये लोग कहाँ लेके जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ वहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। करीब 45 मिनट के बाद हम लोग एक स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट पहले से आए हुए थे। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुआ और सबसे पहले अभी मुझे स्कूबा डाइविंग करने को मिला है, तो अभी मैं वो करने जा रहा हूँ। तो अभी देखिए मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्कूबा डाइविंग के लिए। अच्छा मैं तैर रहा हूँ, ओके। आ करो बड़ा दांत से दबाओ, जितने पैक रखो, सांस खींचते रहो, सांस छोड़ते रहो, ठीक है। लिप्स को दोनों पैक करो। पानी के अंदर कैसे रहना है उसका मुझे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया। अपने आसपास बहुत सारी रंगीन मछलियाँ देख पा रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था और स्विमिंग को शेयर कैसे करूं मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। आपके पीछे गाइड होंगे जो आपको ऑलवेज पकड़े होंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये वाला वीडियो क्लिप ट्रिप वाले की तरफ से दिया गया था। अगर आपके पास भी कैमरा ना हो तो वो लोग भी आपको वीडियो क्लिप प्रोवाइड कराते हैं, बस आप ट्रिप लेते समय ये उनसे डिस्कस जरूर कर लें।
मजा लेते जैसे ही आपका स्कूबा डाइविंग खत्म होगा वो वापस आपको नाव में बैठा देंगे। आप चाहे तो नाव में बैठ सकते हैं या फिर वही नाव के बगल में समुद्र में आप तैर सकते हैं। आपको लाइफ जैकेट मिला होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से तैर सकते हैं। और वहाँ पे भी रंगीन मछली आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी का इंतजार करना होगा जो आपको कराया जाएगा कुछ देर बाद। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट है जो अपना अपना फीडबैक दे रहे थे, जिनसे मैंने बात किया कि आपको यहाँ पे कैसा। अंडर वाटर अच्छा तो ही था, अंडर वाटर एकदम थर्ड क्लास से आगा। इसके बाद हम लोग का पैराशूट राइड स्टार्ट हो गया जो मैं अभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ से देखने पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गोवा, और क्या बताऊँ लग रहा था मैं जन्नत में आ गया। मैंने 200 मीटर का एक्स्ट्रा राइड लिया था जिसके लिए मैंने बताया आपको कि 500 एक्स्ट्रा वो चार्ज पे किया था। सारा दुनिया जन्म नहीं पाया देख ले जानू के बाद स्पीड बोट राइड था तो मैंने उसका भी एंजॉय लिया, काफी मजा आया मुझे। बट मुझे इसके बाद एक बात समझ में आया, यहाँ पे आपको जो भी एक्टिविटी करना हो वो ट्रिप के अकॉर्डिंग तो कराया जाएगा बट वो काफी कम टाइम का होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए करना हो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तुरंत बाद ही बनाना राइड स्टार्ट हो गया, वो भी करने में काफी मजा आया, काफी अच्छा फीलिंग था उसमें।
और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जो आया वो था बम्पर राइड में, जो मैं करने वाला हूँ, और लाजवाब था ये राइड। आप देख सकते हैं इस राइड में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा। राइड थी उसमें सबसे बेहतरीन राइड यही था, ये अच्छा था। कोमा में तो नहीं हो? नहीं, ये अच्छा था, मजा आया। अब शाम हो गया है, समुद्र भी उफान पे है और हम लोग वापस लौट रहे हैं। बट इस पूरे ट्रिप में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। होने के कारण समुद्र काफ़ी उफान पे आ गया था और सीप बहुत ज़्यादा हिल रहा था। एक दो बार तो हम लोग को डर भी लगने लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। लौटते बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। फाइनली अब हम लोग किनारे पे पहुंच गए हैं और आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को, पूरा दिन एंजॉय किया मैंने। और इसी के साथ आज की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारा खत्म हुआ। सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और अभी 5:30 बज गए शाम के। और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने, आपने देखा, और बहुत मज़ा आया। जब भी आप आए यहाँ पे तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।